स्टूडेंट्स, हम आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। हमने पिछले वीडियो में सीरीज कॉम्बिनेशन पर बात की थी, अब हम आगे बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आती है, फिर दोनों के बीच में कंपैरिजन देखेंगे कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करेंगे पावर के ऊपर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट क्या है, कमर्शियल यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है, जैसे किलोवाट आवर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एक जूल हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं पहले जो हमारा कॉम्बिनेशन का जो सेकंड पार्ट रह गया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या था कि जब हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेट अस कंसीडर वी हैव द थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज, सॉरी व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपके पास तीन रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, उन तीनों को हमने किस में लगाया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। ये आपका पॉइंट ए वन, दिस पॉइंट बी, दिस वन इज आर वन, दिस वन इज आर टू, दिस वन इज आर थ्री। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड थ्रू ए बैटरी हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस वी। सपोज आई बी द करंट फ्लोइंग इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट। मैंने बताया पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है परंतु पोटेंशियल सेम होता है। इसका मतलब क्या है कि हर किसी विद्युत उपकरण के अक्रॉस करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। इसका मतलब क्या है, R1 के अक्रॉस मैंने माना कोई करंट की वैल्यू थी I1, I2 के अक्रॉस मैंने माना कोई करंट की वैल्यू थी I2, I3 के अक्रॉस मैंने माना कोई करंट की वैल्यू थी I3। दूसरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस से जो पोटेंशियल मेरा वी था हर किसी विद्युत उपकरण के अक्रॉस पोटेंशियल मेरा क्या है, सेम है। यहां पर भी पोटेंशियल वी होगा, यहां पर भी वी होगा और यहां पर भी वी होगा। इस डायग्राम से मैं क्या, इस डायग्राम से क्या इंडिकेट होता है, यहां से इंडिकेट होता है फ्रॉम डायग्राम आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या बताया था, V is equal to IR, R की वाली वैल्यू को मैंने R के लिए लिखा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें यहां पर जो R P की वैल्यू को क्या है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसमें, इन पैरेलल, इन पैरेलल। तो यहां से I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू होगी V upon V upon R। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे I1 की वैल्यू चाहिए, I2 की वैल्यू चाहिए और I3 की वैल्यू चाहिए। I1 की वैल्यू क्या होगी, सिमिलरली I1 की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल तो मेरा सेम होगा परंतु रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होगी। तो I1 इसमें से फ्लो कर रहा है R1 में से, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी R1, I2 की वैल्यू क्या होगी V upon R2, I3 की वैल्यू क्या होगी V upon R3। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या कहती है, I क्या है V upon RP, I1 की वैल्यू V upon R1, I2 की वैल्यू V upon R2, I3 की वैल्यू V upon R3। यहां से V कॉमन लिया तो 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3। तो 1 upon RP की वैल्यू क्या है, 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा निकल के आया था वो आया था R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका सीरीज में आया था। पैरेलल में क्या है, 1 upon RP इज इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3। सीरीज में क्या था, हर किसी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को हमने ऐड किया था। पैरेलल में क्या है कि जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है
उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो किसके बराबर होगा, हर किसी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल करके उसको ऐड कर देना, दैट्स कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन टू रजिस्टर आर वन एंड आर टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब ये दोनों पैरेलल में होंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, आर वन आर टू ऊपर क्या जाएगा, आर टू प्लस आर वन, तो आर पी की वैल्यू क्या होगी, जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो आर वन आर टू अपॉन आर टू प्लस आर वन, ये था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम बात करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है। अभी हमने बात की थी सीरीज कॉम्बिनेशन पिछली वीडियो में, अब हमने बात की थी पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसमें से क्या निकल गया है, इसका सिंपली हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है परंतु पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिफरेंट होता है, जबकि पैरेलल में क्या होता है, करंट की वैल्यू डिफरेंट परंतु पोटेंशियल डिफरेंस मेरा सेम होता है। दूसरा पॉइंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, वो हमेशा इंक्रीज होती है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो कम होती है। सीरीज में करंट की वैल्यू कम होती है, क्यों होती है भैया, मेन चीज क्या है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू कम होगी और सीरीज में करंट की वैल्यू बढ़ती है। इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही थी तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। अब इस लॉजिक को समझने के लिए क्या है कि मैंने तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, तीन रेजिस्टेंस कौन सा, एक तो R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 2 ohm, R3 is equal to 3 ohm। हम इस क्वेश्चंस के अक्रॉस हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी हम दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस आता है कि जितना बड़ा हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू ली है उससे ज्यादा वैल्यू आती है, और पैरेलल में क्या है कि जो रेजिस्टेंस हमारा सबसे कम वैल्यू का है उससे भी कम वैल्यू आती है। कैसे, देखो तीनों रेजिस्टेंस मैंने लिए हैं 1 2 3, अब मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करनी है, सीरीज में क्या था, RS is equal to R1 plus R2 plus R3, तो 1 plus 2 plus 3 तो कितना आया, 6 ओम। तो अगर सीरीज की बात करूं सब इन तीनों जो रेजिस्टेंस की वैल्यू में सबसे ज्यादा कौन था, 3 ओम था, जबकि सीरीज में क्या है, 6 ओम, मतलब 3 ओम से भी ज्यादा होता है। अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो 1 अपॉन RP is equal to 1 अपॉन R1 plus 1 अपॉन R2 plus 1 अपॉन R3, तो 1 अपॉन 1 plus 1 अपॉन 2 plus 1 अपॉन 3, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 6 करो, 6 3 plus 2 6 3 9 और 2 11 11 by 6, अब 1 अपॉन RP है तो RP की वैल्यू क्या होगी, 6 by 11, जब इसको डिवाइड करोगे 0.5 समथिंग आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सीरीज में जो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा वैल्यू का था उससे भी ज्यादा वैल्यू आती है, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस सबसे कम वैल्यू का था उससे भी कम वैल्यू आती है। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। इसके बाद आया था हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अक्रॉस द कंडक्टर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या था, हाँ इसमें एक टर्म सॉल्व कर सकते हो, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड टर्म्स मैंने बात की थी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, वी गेट, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी को बताने के लिए मैं कांस्टेंट टर्म्स लेता हूं रो, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर रो की वैल्यू क्या होगी, रो की वैल्यू होगी आर ए बाय एल। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को क्या बोल सकते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये भी आप बोल सकते हो इसे। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया क्या होती है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ क्या होती है मीटर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो क्या है ओम मीटर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है।